अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे दोस्त, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं, मज़े से हैं। क्या कर रहे हैं जनाब, क्या हो रहा है? खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, साथ साथ नई नई आवाज़ें भी सीख रहे हैं, कहानियाँ सुन रहे हैं, नज़में याद कर रहे हैं और काम कंप्लीट कर रहे हैं। कर रहे हैं ना काम कंप्लीट, और काम कंप्लीट करने के बाद टीचर को भी सेंड करते हैं, करते हैं ना भाई, शाबाश। और भाई काम जब कंप्लीट कर रहे होते हैं तो ख़राब तो नहीं करते, गंदा तो नहीं करते, नहीं करते, अच्छा अच्छा साफ साफ काम करते हैं ना, शाबाश। अच्छा, जो आप नई नई आवाज़ें सीख रहे हैं, दोस्तों को बताते हैं, दोस्तों को सुनाते हैं कि भाई आज हमने ये नई आवाज़ सीखी है, बताते हैं उनको, शाबाश भाई। फिर तो सब आपके दोस्त कहते होंगे कि आपको कितनी अच्छी अच्छी आवाज़ें आ गई हैं, कितनी मज़े मज़े की कहानियाँ भी आपको आ गई हैं ना भाई, कहानियाँ भी सुनाते हैं, शाबाश। अच्छा ये बताइए, नज़में जो हम पढ़ रहे हैं याद हो गई हैं आपको या भूल गए हैं? याद हो गई हैं, ज़बरदस्त, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा ये बताएं, जो नई नई आवाज़ें हम सीख रहे हैं, तो कल हमने कौन सी नई आवाज़ सीखी थी? जल्दी से बताएं, कल हमने कौन सी नई आवाज़ सीखी है? ख, शाबाश, कल हमने नई आवाज़ सीखी थी ख, और ख से शुरू होने वाली चीज़ें कौन कौन सी थी, कौन सी थी भाई, जल्दी से बताइए। हाँ, खेमा, खच्चर, खरबूजा, मज़ेदार खरबूजा, अच्छा लगता है ना आपको, मज़े का होता है। और खरगोश, बहुत ही प्यारा सा, सफ़ेद सा, शरारती सा होता है खरगोश, खरगोश। अच्छा जी, ये तो हमें पता चल गया कि कौन कौन सी शुरू की आवाज़ें हैं तस्वीरों की। नज़म कौन सी थी भाई? नज़म भी हमने याद की थी ना ख की, जल्दी से बताएं क्या नज़म थी, याद है ना? मुझे पता है आप लोगों ने अच्छे से याद कर लिया, क्या नज़म थी जल्दी से बताएं। वेरी गुड, खरगोश लाया खत खालू का, ख के ऊपर एक ही नुक्ता, खरगोश लाया खत खालू का, ख के ऊपर एक ही नुक्ता, शाबाश। यानी कि हमने जो है ये नई आवाज़ अच्छे से समझ ली है, पढ़ ली है, अब हमें लिखना भी तो आना चाहिए ना कि भाई हम इसके लिखने की मशक करें। तो क्या करते हैं, करते हैं आज नया काम, लिखने की मशक करेंगे। तो निकाल लीजिए अपनी किताब, उर्दू सिलसिला साल 2 की किताब निकाल दीजिए, सफ़ा नंबर 30 यहाँ पे खुल चुका है। सफ़ा नंबर 30 पे हम सबसे पहले क्या देखते हैं बताइए जी? हम देखते हैं कितनी तस्वीरें मौजूद हैं यहाँ पे, यानी कितने आइकन्स मौजूद हैं, जल्दी से बताएं कौन कौन सा आइकन मौजूद है, ताकि हमें पता चले कि इस सफ़े पे हमने क्या काम करना है। 3 आइकन हैं, 1, 2, 3, शाबाश। पहला आइकन हमसे क्या कह रहा है? पेंसिल फेरिए, पेंसिल फेरी। और दूसरा, लिखिए, यानी कि पहले हमने पेंसिल फेरनी है और उसके बाद लिखने की मशक करनी है। उसके बाद रंग भरिए, शाबाश। इन सब काम करने से पहले हम क्या करेंगे? तारीख लिखेंगे, यहाँ हम तारीख लिखेंगे आज की, ताकि हमें पता चले ये काम हमने आज की तारीख पे किया है, ठीक है? चलें जी जनाब, अब ज़रा मुझे जल्दी से बताइए ये है क्या है भाई, कौन सी आवाज़ है? खुद, वेरी गुड, शाबाश। खरबूजा की शुरू की आवाज़, खरबूजा, शाबाश, खरबूजा। अच्छा भाई, खरबूजा ख हो गया, अब हमने पेंसिल फेरनी है, निकाल लीजिए अपनी पेंसिल, अच्छे से शॉर्प कीजिए शुरू के नुक्ते पे, जो बड़ा सा नुक्ता है यहाँ पे आपने पेंसिल रखनी है, और नुक्ते से नुक्ता मिलाते जाना है, नुक्ते से नुक्ता मिलाते जाएंगे, हमारा ख बन जाएगा, और साथ साथ हम ख की नज़म भी पढ़ेंगे। क्या है नज़म? खरगोश लाया खत खालू का, के ऊपर एक ही नुक्ता, शाबाश। चलें जनाब, अब हमने क्या करना है, अब हम लिखने की मशक करेंगे, लेकिन लिखने की मशक से पहले यहाँ भी मौजूद है हमारे पास 2 लाइनें जिस पे हमने पेंसिल फेरनी है, पेंसिल फेरने की मशक करें, अच्छे से देख के आपने नुक्ते से नुक्ता मिलाना है, लिखने की मशक करनी है कि कैसे ख लिखा जाता है, और उसके बाद हम यहाँ पे लिखने की मशक करेंगे। यहाँ मौजूद हैं 3 लाइनें, बड़ा सा डॉट लिखा हुआ, यानी कि आपने इस डॉट से लिखना शुरू करना है और फिर आपने ख बनाना है, आराम से काम करना है, जल्दी जल्दी नहीं करना है ताकि काम ख़राब ना हो, ठीक है? और उसके बाद आपने रंग भरना है, रंग भरने के मश कैसे करेंगे, सारे कलर पेंसिल्स निकाल लें,
अच्छे से शॉप कर लीजिए और खरबूजे पे अपनी पसंद का रंग कर लीजिए। जी रंग आपने कैसे करना है? रंग तस्वीर से बाहर नहीं जाएगा वरना तस्वीर खराब लगेगी ना, खरबूजा खराब लगेगा भाई। जी और अच्छे से रंग करना है, एक ही सिर्फ में रंग करना है, ऊपर नीचे या फिर दाएं बाएं। और इसके बाद जब काम कंप्लीट हो जाएगा तो पेरेंट्स को अपने ज़रूरी चेक कराना है कि अगर कोई गलती है तो वो ठीक करा दें। उसके बाद अपने काम की पिक्चर अपने टीचर को सेंड करेंगे और मेरा इंतज़ार करेंगे। कल हम मिलेंगे नए काम के साथ। अल्लाह हाफिज़।